छात्र आज हम लोग सीखेंगे ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर की एक्सरसाइज 65 का हल करना। और जैसे कि पता आप लोग को ये जो है ये वॉइस से है और यहाँ पे कहा जा रहा है डायरेक्शन में चेंज द फ्लोइंग इनटू द पैसिव वॉइस, इसको जो है पैसिव वॉइस में बदलना है। अर्थात ये जो है ये एक्टिव वॉइस है और ये जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही है, लेकिन ये जो है ये बाई एजेंट का जो प्रयोग करते थे उस पर नहीं बनेगा। ये कैसे बनेगा, वैसे ही बनेगा। देखिए इसे हम कैसे बदलेंगे पैसिव वॉइस में, तो पहले डालेंगे सब्जेक्ट, पहले डालेंगे सब्जेक्ट और इसके बाद एम या फिर इज या फिर आर का प्रयोग करेंगे और इसके बाद हम भी थ्री का प्रयोग करेंगे। और जैसे कि बाय एजेंट देते थे वो नहीं, जरूरत पड़ेगा तो देंगे नहीं तो नहीं देंगे। जैसे देखिए पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो यहाँ पे देखिए पहले हमको सब्जेक्ट चुनना है। इसमें जो है सब्जेक्ट जो है पीपुल है, तो यहाँ पे जो है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाएगा इंग्लिश। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इंग्लिश 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 और इसके बाद जो है इज का प्रयोग हुआ, इंग्लिश इज इज और स्पीक जो है इसका जो है भीतर लिखना है स्पोकन स्पोकन इंग्लिश इज स्पोकन और इसके बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्या लिखेगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस तरह से बनाना है। ये एक्टिव हो गया और ये पैसिव हो गया। अब देखिए बी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, तो यहाँ पे गुड न्यूज से शुरू करना है, लिखेगा गुड और न्यूज गुड न्यूज, ये जो है न्यूज है। आपको लग रहा हो कि एस है तो ये प्लूरल है, नहीं, गुड न्यूज। यहाँ पे इज का प्रयोग हुआ, गुड न्यूज इज और यहाँ पे एक्सपेक्टेड हो जाएगा, एक्सपेक्टेड लिखिए ई एक्स पी ई सी टी ई डी एक्सपेक्टेड, गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड और हो गया। यहाँ पे जो है एजेंट का प्रयोग नहीं करना है, बाई एजेंट जो प्रयोग करते थे वो नहीं प्रयोग करना है, ठीक है। अब देखिए पीपुल ग्रो कॉटन इन इंडिया, तो यहाँ पे कॉटन जो है सब्जेक्ट होगा, लिखिए कॉटन कॉटन और यहाँ पे कॉटन के साथ इज का प्रयोग करना है, ठीक है, कॉटन इज और ग्रो से भीतर ग्रोन जी आर ओ डब्ल्यू एन ग्रोन और इन इंडिया कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया, इस तरह से। यहाँ पे देखिए पीपुल ग्रो कॉटन इन इंडिया और यहाँ पे हो गया कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया, यहाँ पे जो है पीपुल का लोप हो गया, यानी कि यहाँ पे एजेंट का प्रयोग नहीं होगा। इन आवर कंट्री वी एक्सप्लॉइट द पुअर, तो यहाँ पे हम द पुअर से शुरू करेंगे, लिखेंगे द पुअर द पुअर पुअर और इसके साथ आर आएगा, आर और ये जो है ये वर्ब है, तो यहाँ पे लिखिए आप इसका जो है भीतर लिखना है ई एक्स पी एल ओ आई टी ई डी एक्सप्लोइटेड, ठीक है एक्सप्लोइटेड, और क्या हो गया द पुअर आर एक्सप्लोइटेड और इन आवर कंट्री, इन आवर कंट्री कंट्री, इस तरह से। अब देखिए एवरी डे माई फादर टीचेज मी, यानी कि प्रतिदिन मेरे पिता मुझे पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे देखिए लास्ट में मी है जो कि ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है इसका सब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव में, तो लिखिए मी से आई में बदल दीजिए मी को आई और आई के साथ एम आएगा आई एम और यहाँ पे जो है टीच वर्ब है ना, तो यहाँ पे आपको टॉट कर देना है भीतरी आई एम टॉट टी ए यू जी एस टी टॉट और यहाँ पे आपको जो है बाई एजेंट का प्रयोग करना है, तो लिखिए और एवरी डे का लोप हो जाएगा और यहाँ पे लिखिए बाई और लिखिए माई माई फादर बाई माई फादर आई एम टॉट बाई माई फादर। अब देखिए पीपुल रिमेंबर भगत सिंह फॉर हिज ब्रेवरी, तो यहाँ पे जो है भगत सिंह से ही आपको शुरू करना है, इसको जो है सब्जेक्ट के रूप में लेना है, लिखिए भगत सिंह सिंह और इज आएगा इज भगत सिंह इज और रिमेंबर जो है यहाँ पे वर्ब है, तो इसका भीतर लिखना है रिमेंबर्ड 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 और यहाँ पे फॉर हिज ब्रेवरी, क्या लिखना है फॉर हिज ब्रेवरी फॉर हिज ब्रेवरी ब्रेवरी, इस तरह से। अब देखिए एवरीवन हेट्स मोहन बिकॉज ही इज अ थीप, यानी कि प्रत्येक आदमी जो है मोहन से घृणा करता है क्योंकि वह चोर है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम पहले मोहन, मोहन से शुरू करेंगे मोहन, लिखेंगे मोहन मोहन सब्जेक्ट हो गया और इज लिखेंगे इज और यहाँ पे वर्ब क्या है हेट, तो आपको लिखना है हेटेड मोहन इज हेटेड एच ए टी ई डी भीतर लिखना है हेटेड मोहन इज हेटेड और बिकॉज से शुरू करेंगे ही इज अ थीप, लिखिए बिकॉज बी ई सी ए यू एस ई बिकॉज ही इज अ थीप इज अ थीप। अब देखिए आवर लीडर्स मिस गाइड अस, तो यहाँ पे अस जो है इसको आप जो है बी में बदल दीजिएगा, ठीक है अस यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा ये इसमें पैसिव में ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा लिखिए वी और वी के साथ आर आएगा वी आर और यहाँ पे मिसगाइड है ना तो मिसगाइडेड हो जाएगा, लिखिए एम आई एस
GUIDED मिसगाइडेड, वी आर मिसगाइडेड, और यहाँ पे जो है बाय एजेंट का प्रयोग होगा, तो वी आर मिसगाइडेड बाय, और लिखिए आवर आवर लीडर्स लीडर्स, वी आर मिसगाइडेड बाय आवर लीडर्स। अब देखिए वी कीप बटर हेयर, तो यहाँ पे बटर से ही शुरू करेंगे, बटर जो है सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा, लिखिए बटर बटर और इज लिखिए बटर इज, और कीप से जो है ना आपको कैप्ट बनाना है कैप्ट, और यहाँ पे जो है डायरेक्ट हेयर का प्रयोग करना है, ठीक है बटर इज कैप्ट हेयर, और यहाँ पे जो है बाय एजेंट का लूप हो जाएगा, फुल स्टॉप डालिए। अब देखिए वन यूजेज मिल्क फॉर मेकिंग कर्ड एंड स्वीट्स, तो यहाँ पे जो है मिल्क से हम शुरू करेंगे, मिल्क जो है यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा, लिखिए मिल्क मिल्क, और यहाँ पे जो है अब इसको काटिए मिस्टेक हो गया, मिल्क लिखिए सही से मिल्क मिल्क, और इज लिखिए मिल्क इज, और यहाँ पे जो है वर्ब कौन है ये यूज है, तो यूज्ड लिखिए यूज्ड यूज्ड मिल्क इज यूज्ड, और यहाँ से फॉर से लिखिए फॉर मेकिंग मेकिंग कर्ड कर्ड एंड और स्वीट्स लिखिए स्वीट्स इस तरह से।